गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लवोंगो बाय मौशमी। सो आज मैं आप लोगों से साउथ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चेट्टीनाड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और यम्मी होता है। सो हमें बाहर का खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, सो चलिए आज उसी बाहर के खाने को हम घर पे बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, चिकन चेट्टीनाड बनाने के लिए मैं सबसे पहले चिकन मैरिनेट करूँगी, और यहाँ पे मैंने आधा किलो करी कट चिकन लिया है। इसमें हाफ टी स्पून मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून नमक। तो इसको अच्छे से मैं मैरिनेट करूँगी। अब ये मैरिनेट हो गया है, इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट होने दूँगी। तो गाइस, जब तक मेरा वहाँ पे चिकन मैरिनेट हो रहा है, मैं साइड बाय साइड अपने मसाले, जो चेट्टीनाड का मसाला बनेगा उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, और तेल को हम गर्म होने देंगे, फिर हमारे होल स्पाइसेस में इसमें ऐड करूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं सबसे पहले एक तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ, 2 रेड चिल्ली, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर होल, 1 टीस्पून जीरा होल, 1 टीस्पून बोड़ी सौंफ होल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 फूल चक्र, 1 इंच दालचीनी और 1 जावित्री। सो इनको थोड़ी देर आपको रोस्ट करना है, थोड़ा ब्राउन कलर आने तक इसको रोस्ट करना है, क्योंकि हमारा जो चेट्टीनाड चिकन बनेगा उसका कलर भी थोड़ा ब्राउन होता है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, और इसमें 1 पिंच में मेथी सीड्स ऐड कर रही हूँ। मेथी सीड्स को आपको ज्यादा पकाना नहीं है, तो नहीं तो कड़वा हो जाएगा, और ज्यादा ऐड भी नहीं करना है। तो अब ये गर्म है, इसी में वो रोस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ठंडा करके इसको मैं साइड में अभी रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और तब तक मैं अपना कोकोनट रोस्ट कर लूंगी। सो गाइस, अभी सेम पैन में मैं कोकोनट को भी, यहाँ पे मैंने फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके लिया है 1/4 कप, तो इसको मैं रोस्ट करूंगी। सो गाइस, कोकोनट को हमको थोड़ा ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, क्योंकि करी में जाएगा तो वो ब्राउन कलर लाएगा। सो गाइस, ये रेडी हो गया है, मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको होल स्पाइसेस के साथ ही ग्राइंड कर लूंगी। तो गाइस, अब मैं करी बनाना स्टार्ट करूंगी। सो उसके लिए मैं सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये मैं नॉर्मल ऑयल ले रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। सो तेल को मैं गरम होने दूंगी। सो गाइस, चिकन चेट्टीनाड जो रेसिपी है वो साउथ की एक ऑथेंटिक डिश है। सो उसके लिए जो ऑनियन यूज़ होता है, वो हम जो नॉर्मल ऑनियन यूज़ करते हैं वो नहीं होता है, हम जो सांभर के लिए यूज़ करते हैं ऑनियन वही यूज़ होता है, उसे शैलेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 बड़े साइज के ऑनियन को स्लाइस कर लिया है, इसको मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी, ताकि मेरे ऑनियन जल्दी कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और गैस के फ्लेम को मैं लो पे रख के इसको कवर करके कुक करूंगी। तो चलिए गाइस, ऑनियन को चेक कर लेते हैं। ऑनियन को अच्छे से ब्राउन करके हमें फ्राई करना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे ऑनियन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को रॉ स्मेल निकलने तक आपको फ्राई करना है। अब मैं इसमें हैंडफुल करी पत्ता लीव्स ऐड कर रही हूँ।
करी पत्ता इस मस्ट है इस रेसिपी के लिए, और करी पत्ता हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, मेरा चिकन यहाँ पे रेडी है मैरिनेट होके 30 मिनट्स के लिए, तो ये ऐड करूँगी और अच्छे से चिकन को मिक्स करना है। तो गाइज, चिकन को लो फ्लेम में आपको कुक करना है कवर करके। तो गाइज चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को ऐसे ही कवर करके आपको 5 मिनट तक रोस्ट करना है। अब मैं इसमें जो मैंने होल स्पाइसेस को रोस्ट किया था मैं उसको ऐड करूँगी। सो यहाँ पे मैंने उसका एक फाइन प्योरे बना लिया है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाले की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना गाइज। अब मैं इसको कवर करके 2-3 मिनट तक चिकन को मसाले के साथ मिक्स होने दूंगी। तो गाइस चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। वाओ, सो मेरे मसाले अच्छे से चिकन में मिक्स हुए हैं और चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा होने आया है। अब मैं ये मसाले वाला पानी एट ए टाइम में पूरा ऐड नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं कवर करके फिर से 2-3 मिनट तक कुक करूंगी। चलिए गाइस चिकन को चेक कर लेते हैं। नमक स्वाद अनुसार, और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। सो गाइज, मेरा चिकन यहाँ पे कुक हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून टैमरिंड वाटर ऐड कर रही हूँ। आप टैमरिंड पल्प भी यूज़ कर सकते हो। सो इसको मिक्स कर देंगे। मैं इसमें और पानी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको और पानी वाला चाहिए, ग्रेवी टाइप एकदम चाहिए, तो आप पानी ऐड कर सकते हो। मेरा यहाँ पर चिकन भी कुक हो गया है। सो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और इसको मैं 2 मिनट तक ऐसे ही कवर करके रखूँगी। तो गाइज, मेरी यहाँ पे चिकन चेटीनाड बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो ये दिखने में ही इतनी यम्मी लग रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो आप भी जाइए और इसको बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। सो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक ले, बाय बाय।